बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चिकन पकौड़ा, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। चिकन 1 kg, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। काली मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, क्रश चिली 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, लाइम जूस 1 टेबल स्पून, ऑयल 3 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 कप बेसन और 1/2 कप राइस फ्लोर ऐड कर देंगे। चावल का आटा डालने से जो हमारे चिकन पकौड़ा है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। चिकन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारे जो पकौड़ा है वो जल सकता है। इसको हमने डालते साथ ही हिलाना नहीं है, 5 से 6 मिनट बाद हिलाना है इस तरह से। और जैसे ही आपके पकौड़ों को कलर आना स्टार्ट हो जाए, अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, जो चिकन पकौड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं। अब हम इसके टेस्ट को और बेटर करने के लिए इस पर हम लेमन जूस स्प्रिंकल कर देंगे और चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट और भी बेटर हो जाएगा। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़े का है। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।